YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा में कर्मचारियों की हड़ताल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामला चरखी दादरी का है, जहां पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने दादरी बस स्टैंड में आईएएस की लॉबी के भत्तों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन की प्रतियों को फूंककर रोष प्रदर्शन जाहिर किया। दरअसल हरियाणा कर्मचारी महासंघ की मांगों को पूरा न करके आईएएस की लॉबी के भत्तों को बढ़ा दिया गया, जिसे लेकर कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन उन्होंने जाहिर किया और कहा कि सरकार से उनकी 12 सूत्रीय मांगों को पूरा करने पर समझौता हुआ था, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर 21 अगस्त तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी, और फिर भी सरकार ने मांगों को नहीं माना, नहीं पूरा किया तो हड़ताल को अनिश्चितकाल कर दिया जाएगा। तमाम जिलों के ऊपर ब्लॉक स्तर के ऊपर पूरे हरियाणा में पिछले दिनों में आईएएस लॉबी ने जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ के साथ सी मुख्यमंत्री के साथ जो वार्ता थी, उसमें तमाम कर्मचारियों को वेतन और भत्ते के 16 से देने की जो सहमति बनी थी, उसमें उस पत्र को दबा करके उनको वेतन भत्ते न दे करके खुद के वेतन और भत्तों का जो परिपत्र जारी किया, उसको लेकर हरियाणा के कर्मचारियों में रोष है, और उसी रोष को लेकर के हमने आज उस परिपत्र की पर्तियां जलाई हैं। और इस मामले को के ऊपर हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 21 अगस्त को एक दिन की हम सांकेतिक हड़ताल का आयोजन करेंगे।